दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर जो अंडर 15K यानी कि 15,000 रुपीज़ के अंदर जो बेस्ट स्मार्टफोन आते हैं आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है और आपके लिए बेस्ट चॉइस और उसके बाद में बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा स्मार्टफोन दे सकता है 15,000 रुपीज़ के अंदर। तो दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखने में तो मेरे हिसाब से हम कम बजट से 15,000 तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट चॉइस अगर आता है तो Realme 2 है। Realme 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक वेरिएंट आता है जो कि सबसे कम प्राइस में आता है, यानी कि 9,499 रुपीज़ में, यानी कि 9,500 रुपीज़ में आपको ये फर्स्ट वेरिएंट मिल जाता है। उसमें 3GB और 32GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में उसका जो कि टॉप वर्जन जो है 4GB रैम, उसके बाद में 64GB इंटरनल स्टोरेज, ये आ जाता है तकरीबन 11,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा 4230 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि बैटरी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में जो कि डिस्प्ले होता है फुल नॉच डिस्प्ले है। उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने वाले बात ही नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। बट यहाँ पर कैमरा जो है बैक साइड में ड्यूअल कैमरा मिल जाता है। उसके बाद में फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छे देगा और कैमरा के लिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हो सकता है। कैमरा के लिए आपको बेस्ट चॉइस कौन सा है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है Realme U1। ये जो है अंडर 15K में ये भी एक फ़ोन स्मार्ट यानी कि बेस्ट आपको मिल सकता है। इसका जो फर्स्ट वेरियंट आता है तकरीबन 11,999 रुपीज़ में आता है। 11,999 रुपीज़ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 12,000 रुपीज़ में आपको मिलता है। उसके बाद में अगर इसकी नॉच अगर देखा जाए तो वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में लेटेस्ट होलियो P70 का प्रोसेसर आता है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और ड्यूअल कैमरा है जो कि 13 MP प्लस 2 MP का कॉम्बिनेशन आता है। उसके बाद में जो फर्स्ट वेरिएंट है उसमें आपको 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा 12,000 रुपीज़ में। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्जन आता है 14,500 रुपीज़ में मिलेगा और उसमें आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और यहाँ पर बैटरी की अगर बात की जाए तो बैटरी यहाँ पर 3500 mAh की बैटरी है और यहाँ पर Realme 2 से बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। बट Realme U1 अगर प्रोसेसर अगर बात देखने की और उसकी फिनिशिंग की अगर की जाए तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है Realme U1। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम बजट है, अगर आपका बजट कम है तो आप Honor 9N की तरफ भी जा सकते हैं। बट Honor 9N देखा जाए तो थोड़ा सा दिखने में छोटा सा है, वाटर ड्रॉप नॉच जो कि नॉच भी है बट यहाँ पर वाटर ड्रॉप नहीं है और यहाँ पर उसकी बैटरी भी कम आ जाती है, इसलिए हम यहाँ पर Honor 9N को चॉइस नहीं करेंगे। ठीक है, Realme 2 Pro है। Realme 2 Pro यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच है। उसके बाद में कैमरा 16 MP प्लस 2 MP का कॉम्बिनेशन है बैक साइड में और जो कि है फ्रंट में 16 MP मिलेगा और बैक में 16+2 MP का कॉम्बिनेशन मिलेगा और यहाँ पर 3500 mAh की जो बैटरी मिलेगी आपको। उसके बाद में सबसे बढ़िया बात यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 आता है इसमें और 2GHz उसकी स्पीड है। उसके बाद में फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक है। उसके बाद में ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। उसके बाद में ड्यूअल सिम 4G, उसके बाद में डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी आपको इसके साथ में मिलता है। तो Realme 2 Pro बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और टॉप में आता है अंडर 15K के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से टॉप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro जो कि एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि 15,000 रुपीज़ के अंदर अगर कोई फ़ोन लेना चाहते हैं और बेस्ट फ़ोन अगर लेना चाहते हैं आप तो आपको Redmi Note 6 Pro मिलेगा, जो यानी कि 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस है यहाँ पर तकरीबन 14,000 रुपीज़। अगर आप पेमेंट करते HDFC कार्ड से तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा बट यहाँ पर कुछ ऑफर मिलते थे पहले, यानी कि 29 दिसंबर तक मिलता था बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऑफर नहीं है। और Amazon से अगर परचेस करते आप Realme U1 तो यहाँ पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ट्राई करते हैं HDFC का कार्ड। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको Snapdragon 636 मिलेगा और उसकी जो कैमरा अगर देखा जाए तो 12+5 MP कैमरा है फ्रंट में। उसके बाद में बैक में अगर देखा जाए तो 12+2 MP का कैमरा आ जाता है। तो यहाँ पर ड्यूअल कैमरा बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी ड्यूअल कैमरा आ जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए इसकी बैटरी यहाँ पर 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में बात अगर की जाए तो यहाँ पर ये क्विक चार्ज सपोर्ट करता है।
क्विक चार्ज से ये होगा कि आपका मोबाइल थोड़ा सा फास्ट चार्ज हो जाएगा, और फास्ट चार्ज होगा भी उसके बाद में बैटरी भी ज़्यादा है, तो आपको एब्सोल्युटली ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, या तो Realme 2 Pro, और आपका अगर बजट कम है तो या तो आप Honor 9N या तो Realme U1 चॉइस कर सकते हैं या तो Realme 2 चॉइस कर सकते हैं। तो अंडर 15K में ये मेरी तरफ से टॉप 5 स्मार्टफोन आपके लिए है। अगर आप इसमें से अगर कोई भी परचेस करना चाहते हैं या आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके मन में कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।